अस्सलाम वालेकुम। लो जी, निकल चुका हूँ हाजी अली दरगाह के लिए, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम था कि आपको हाजी अली दरगाह घुमाऊँ और उसके साथ साथ आपको दिखाऊँ खाऊ गली के बढ़िया बढ़िया जायके। तो हसीन भाई और हम हो चुके हैं रेडी और हमें इस टाइम टैक्सी में, तो व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपका भाई फर्स्ट टाइम मुंबई के जायके कवर करने आया है, तो इस व्लॉग में और इस सीरीज में साथ दीजिएगा अपने भाई का। बाकी जो नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करके बताएं और कहाँ कहाँ जाऊँ मैं। तो चलिए चलते हैं हाजी अली। देखो जी, आपको दिखाता हूँ अंबानी की बेटी का घर, अगर सही से दिख जाए तो, क्योंकि यहाँ से तो आएगा नहीं। ये देखो, ये जो आया है ना, ये दिख रहा है आपको, ये है अंबानी की बेटी का घर। ये हाजी अली के लिए एंट्री कर ली हमने अंदर। मैंने सुना है कि भाई इन्होंने कुछ आधा रास्ता जो है ना वो कुछ कवर कर दिया है, क्योंकि जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तब तो ठीक ठाक था। अब देखते हैं ज़रा भीड़ देखें आप कितनी है। और यहाँ पर देख लो भाई, हलवा बन रहा है गरम गरम, बिल्कुल हलवा। ये देखो, देख रहे हैं भीड़ देखो आप कितनी है। आज संडे है तो सारे के सारे दरगाह हाजी अली जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। और यहाँ पर सारी शॉप देखें, देखो जी यहाँ पर ये थोड़ा चेंजेस हो गया कि ये ऊपर से फ्लाईओवर बनाया ना उन्होंने, इस फ्लाईओवर से इसका जो रास्ता है ना थोड़ा सा आधा वो इन्होंने ढक दिया है। पहले फ्लाईओवर नहीं थे तो पूरा ओपन था ये। रमजान क्या है, कल परसों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा उससे पहले ये सारी चीज़ें दिखा दूँ आपको बढ़िया करके, फिर उसके बाद चलेंगे अफ्तारी करने। देखिए जी मेरे सामने देखें हाजी अली दरगाह, और अब जाके ये इन्होंने यहाँ से रास्ता आधा कवर कर दिया है। और ये देखो जितने भी सारे फ्लाईओवर जा रहे हैं ना, ये सामने फ्लाईओवर देखो, ये सब बना के इन्होंने हाजी अली का रास्ता आधा कवर कर दिया। अब भाई यहाँ पर अभी सूरज है, सनसेट जब होगा देखते हैं। मज़ेदार है भाई, मज़ा आने वाला है आपको, आ जाओ। चलिए जी, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे दरगाह हमारे पास आ रही है। लो जी देख लो, ऊपर चल रहा हूँ सीढ़ियों पे, ये हाजी अली की सीढ़ियाँ, ये ऊपर जा रहा हूँ अंदर गेट पे, ये देखें आप। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। बाकी देखें, गेट के अंदर आ चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए जी, ये दरगाह का रास्ता है। बाकी यहाँ पर क्या क्या है भाई पता नहीं, अभी देखते हैं। देखो ये मेन जगह है भाई, ये दरगाह है हाजी अली की, ये मेन दरगाह है भाई, जो भी बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। ये देखें मेन, बिल्कुल। और ये इस साइड जो है ये मस्जिद है भाई, देखें ये मस्जिद है। देखिए जी, ये दरगाह के बिल्कुल बैक साइड आ चुका हूँ, और बैक साइड आप देख लो यहाँ का नज़ारा, दूर से दूर तक आपको समुंदर दिख रहा होगा। और हसीन भाई और हम साथ हैं, अब थोड़ी कोशिश करेंगे कि नीचे तक जाएं, देखें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हवा बहुत प्यारी चल रही है, तो भाई बहुत बड़े बड़े जीने हैं। तो देखो हसीन भाई, तो देखो पहुँच भी गए, और यहाँ पर जीने देख लो भाई, बहुत बड़े बड़े नीचे जा रहे हैं हम। देखो थोड़ा पानी की साइड चलते हैं, समंदर की साइड। हसीन भाई तो भागे चले जा रहे हैं, और पानी देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ समंदर का, और बहुत बड़े बड़े पत्थर है भाई ये भैया अपने से चले भी नहीं आ रहा। ये देखें कहाँ तक आ गए हम,
तो ये लोगों ने क्या है भाई, पिकनिक स्पॉट बना रखा है एक तरीके का, लेकिन मज़ा आ रहा है कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी और आगे जाने तक की। देखो चलते चलते भाई बहुत आगे आ चुके हैं, अब समंदर पास है। और हम बताएं कहाँ से आ रहे हैं, वो देखो हम सामने सीढ़ी है ना जहाँ मस्जिद का मीनार दिख रही है, हम यहाँ से आ रहे हैं और ये बहुत दूर आ चुके हम चल चल के। और यहाँ रास्ते भी ऐसे ऐसे हैं भाई, बहुत समझ के चलना पड़ रहा है, तो ये कौन सा रास्ता फिसलने वाला हो कुछ पता नहीं। ये देखो कैसे कैसे रास्ते हैं, और समंदर सामने ही है। हसीन भाई देखो हमारे वो जा रहा है, कितनी दूर चलेगा देखो, चलो हम भी चलते हैं। देखो मुल्ले जी देखो कहाँ खड़ा होगा, देखो आगे देखो, ये देखो ये मुल्ले जी मज़े ले रहा है वहाँ पे आगे बड़ी दूर, और मैं यहाँ पर खड़ा। और यार सनसेट का इतना बढ़िया आएगा ना यहाँ पे, मज़ेदार एकदम, तो भाई फुल मज़ा आ रहा है एकदम मज़ेदार। तो मैं तो बोलूँगा कि आप भी अगर घूमने आओ ना एक बार हाजी अली ज़रूर घूमने आओ, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, कभी भी आ जाओ यहाँ पर तो ऐसे ही मज़ा रहता है। यहाँ पर हवा ऐसी चल रही है ना, ओए होए 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 होए, कुछ ही देर के अंदर सनसेट होने वाला है, बहुत बढ़िया सा नज़ारा आपको मिलेगा। और मैं भी यहाँ पर क्या भाई काफ़ी टाइम से हूँ, अब क्या घर चलेंगे मतलब होटल, और ये एक बार दरगाह देख लो आप। चलिए भाई देख लो सनसेट होते हुए दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा बचा है एकदम, ये देखें आप। तो यही नज़ारा देने के लिए रुका हुआ था भाई मैं, बहुत बढ़िया सनसेट हो रहा है, और ऊपर रोशनी देखो आप कितनी बढ़िया हो रही है। थोड़ा सा और जूम करो तो देखो आप, ये देखो बहुत बढ़िया है। देखो जी अभी आपको सनसेट दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा सूरज को, बस कुछ ही कुछ मिनटों का मेहमान बचा है, ये देख लीजिए आप। और सनसेट हो चुका, तो चलिए जी अजान हो चुकी है, अब चलते हैं हाजी अली से बाहर नमाज पढ़कर, और बाकी कुछ खाने के क्या आइटम है मुंबई की वो आपको दिखाता हूँ और जायका आप तक पहुँचाता हूँ। तो चले हसीन भाई, चलिए चलिए चलिए, तो चलिए चलते हैं। चलिए जी भाई बाहर जा रहा हूँ हाजी अली के, बाकी यहाँ पर मुझे एक हाजी अली टी स्टॉल दिखाया, तो यहाँ पर ज़रा चाय का जायका और क्या क्या खाने में वो देख लेते हैं, चलते हैं। माशाल्लाह फुल भरा हुआ बिल्कुल। तो चलिए भाई यहाँ पर कुछ भाई भी खा रहे हैं हमारे, क्या खा रहे हो भाई? हम लोग खा रहे हैं कीमा फ्राई। कीमा फ्राई देखो जी, कीमा फ्राई कैसा है? एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम। मैंने अपने लिए मंगाया भाई भुजिया पाव और चाय, क्योंकि तो हमारा जो प्रोग्राम है डिनर करने का वो है खाओ गली के अंदर, तो इसलिए थोड़ी सी पेट में जगह चाहिए। लो जी भाई अपना मुंबई के अंदर ये दूसरा मील है, पहले तो ब्रेकफास्ट था और अब ये है पाव आ चुके हैं, और ये आ चुकी है हमारी अंडा भुजिया, क्योंकि यहाँ पर रोटी भी चलती है लेकिन मोस्टली क्या है यहाँ पर सब लोग पाव से ज़्यादा खाते हैं। पाव थोड़े कड़क टाइप है, और ये आ चुकी अंडा भुजिया, ये देखो आप। भाई स्पाइसी बहुत है लेकिन बहुत चटपटा है एकदम मज़ेदार, क्योंकि हाजी अली घूमने में है ना बहुत थक गए थे यार बहुत ज़्यादा, और पाव से खाने में ना अलग ही मज़ा है भाई, अलग ही एकदम मज़ेदार लग रहा है एकदम लाजवाब। बहुत भूख लग रही थी, चलिए भाई सारा ख़त्म कर लिया है, थोड़ा सा ही बचा है, बाकी ये आ चुकी हमारी चाय, ये देखो
बिल्कुल गर्मा गर्म मज़ेदार है एकदम। अच्छा जो जगह है ना वो एक पुरानी टाइप है, एकदम ढाबा टाइप जिसे बोलते हैं। थोड़ा साफ सुथराई का ध्यान ज़्यादा नहीं है यहाँ पर क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, लेकिन भाई जो खाना है ना वो सच में टेस्टी है, बढ़िया है एकदम। और ये चाय भाई स्ट्रॉन्ग चाय भाई, मसाले वाली चाय स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़ेदार है। तो चलिए अभी खा लिए, बाकी अब क्या है चलते हैं खाऊ गली। मैं आ चुका हूँ खाऊ गली, जो खाऊ गली है वो है माहिम में। मेरे पीछे आप दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह है मखदूम शाह बाबा की। तो यहाँ पर क्या है, इसके सामने बिल्कुल एक रोड है, यहाँ पर एक से एक बढ़िया बढ़िया खाने, लाजवाब खाने हैं, और यहाँ पर आपको प्योरली एकदम स्ट्रीट फूड मिलेगा बढ़िया वाला। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के बढ़िया बढ़िया स्ट्रीट फूड और कुछ नए जायके खाऊ गली के, आइए मेरे साथ। चलिए जी मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ इस खाऊ गली पर, रोड पर। यहाँ पर क्या है भाई, शॉपिंग के लिए यहाँ पर आपको टोपी रुमाल सब चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे। चलिए लेके चलता हूँ आपको जहाँ पर बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पर टिक्के कबाब सीख सब मिलेंगे, दिखाऊँ ज़रा मैं आपको। देखो तो चलिए दिखाता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया यहाँ के स्ट्रीट फूड। फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पर देख लो भाई, ये देखो पास आके दिखाओ भाई साहब, ये क्या क्या है, ये क्या है, ये चिकन तंदूरी। देखो ये चिकन तंदूरी देख लो, और यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पर देखो भाई कितने सारे बारबेक्यू लगा हुआ है, और ये देखें हरियाली भी लगा हुआ है, सीख कबाब भी लगा हुआ है, टिक्का भी लगा हुआ है, और यहाँ पर भाई देखो अफगानी भी लगा हुआ है, ये देखें। तो भाई अभी ये दिखाया तो बिल्कुल बराबर में देख लो, यहाँ पर भाई शॉर्मा रोल लगा हुआ है, भट्टी जल रही है, ये देखो आप, ये देखें। और इसके आगे आपको लेके चलो तो मुंबई का देख लो भाई, फेमस अफलातूनी हलवा। भाई साहब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखो मुंबई का फेमस एकदम। और ये मिठाई भाई, ये किस चीज़ की मिठाई है, अच्छा जी बड़ी रंग बिरंगी सी, देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ लगी हुई हैं रातों में, ये देखें। इन सबके जायके आपको दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपको पूरी गली दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक से एक बढ़िया चीज़ें हैं, ये देखें। लो जी भाई ने हमें एक दिए केक बोल, और देख लो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखो जी। तो चलिए लेते हैं, और ये देख लो ये अफजल स्वीट है, और यहाँ पर पूरी भाई यहाँ पर पूरी उन्होंने बाहर काउंटर लगा रखा है। चलिए ये देखें कितना शोर, बिल्कुल एकदम देख लो चीज़ बॉल करते हैं, बिस्मिल्ला। तो इनमें खाओ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया एकदम एकदम चॉकलेटी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। क्या प्राइस है इसका सर? ये 280 रुपए किलो है, 10 रुपए का एक पीस भाई, 280 रुपए किलो 10 का एक पीस, बहुत लाजवाब टेस्ट है। और अब ये देखो यहाँ पर आप छोटे छोटे पिज़्ज़ा देखो, पिज़्ज़ा का काउंटर देखें आप, छोटे छोटे से पिज़्ज़ा रखे हुए माशाल्लाह, ये देखें। क्या प्राइस है इन सबका? लो जी चिकन चीज़ मायो पिज़्ज़ा सिर्फ 60 रुपए का है भाई, यहाँ पर 40 रुपए का है, मतलब भाई देख लो 40-40 50-50 रुपए के यहाँ पिज़्ज़ा मिल रहा है। और पिज़्ज़ा देखें आप, बहुत बढ़िया। और इसके बराबर में देखो भाई यहाँ पर क्या है भाई, कौन से कबाब हैं, मटन कबाब, अच्छा जी। और ये क्या है, चिकन कांडी, भाई ये कोई चिकन कांडी है, और ये इनके मटन कबाब हैं, पाव में रख के दिए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। और यहाँ देखें भाई मुझे आप, यहाँ देखें सीख कबाब,
ये देखो जी सीख कबाब देखें आप, और यहाँ का जो भाई माहौल है ना, पीछे देखो पूरी सिटिंग एरिया है और बहुत मस्त बना रखा है बिल्कुल बढ़िया करके। और यहाँ पर आई थिंक मैदा रोटी भी बन रही है यार, ये खाने का मन कर गया मेरा तो, ये खाते हैं ज़रा, एक प्लेट लेते हैं ज़रा। ये वाला मटन है? हाँ, ये मटन है। और ये चिकन है? ये चिकन, क्या प्राइस है इसका मटन का? 120 रुपए का ये। दो सीख? हाँ, दो कांटे। और चिकन की? ये 180 रुपए का। अच्छा जी भाई, मटन की सस्ती है और चिकन की महंगी है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। चिकन की महंगी है भाई। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, चिकन की महंगी है मटन की सस्ती है, ऐसा क्यों? चलो भाई एक एक सीख लेता हूँ दोनों की, क्या टेस्ट है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको देख कर है ना बड़ा मुंह में पानी सा आ गया है। फर्स्ट टाइम आया हूँ माहिम खाऊ गली के अंदर, क्या जायका है वो आप तक पहुँचाता हूँ ज़रा। भाई इतने सारे जायके ना यहाँ पर, थोड़े थोड़े चखूँगा लेकिन बहुत लंबी गली है, मज़ा आ जाएगा आपको। लास्ट के अंदर आपको दिखाऊँगा बहुत बढ़िया था यहाँ का मुंबई का फेमस बाबा फलूदा, उसको मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है आपको। बहुत सारे जायके हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो भाई चला लेना, मज़ा आ जाएगा। खाओ गली का पहला जायका ले लिया है, लेकिन पहला नहीं दूसरा ले लिया, पहला तो चीज़ केक खा लिया। अब यहाँ पर देख लो आप, ये चिकन सीख कबाब है यहाँ पर, जिसका रेट है 90 का, और जो मटन है इसका रेट है 60 का। यहाँ पर उल्टा हिसाब है यार, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, अब मटन कैसा होगा पता नहीं, बाकी चिकन खा के देखते हैं। चटनी दी है, प्याज दिए, लेमन दिए, सॉफ्ट तो है, टूट भी गया आराम से, करते हैं बिस्मिल्ला। देखो भाई जायके हर 100-150 किलोमीटर के ऊपर चेंज होते रहते हैं, और हम तो तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, बहुत मुख्तलिफ है, सही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है से कबाब है, और चिकन बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है, लेकिन भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, क्या करें, बिल्कुल मतलब मिर्च है ही नहीं। अब मटन का देख लेते हैं, हाँ ये देखो मटन देख रहे हो, ये भाई अब ये नहीं पता है कौन सा मटन का है, तो इसमें क्या मिला हुआ कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन है तो भाई सही हलाल है, लेकिन चिकन से ज़्यादा ये बढ़ गया है भाई। इसमें नमक का मज़ा भी है और कुछ मसाले अलग से आ रहे हैं, बढ़िया एकदम, ये बढ़िया है, बाकी ये सस्ता है चिकन महंगा। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं फिर तो चलते हैं आगे। चलिए भाई सीख कबाब खा लिए, चीज़ केक खा लिया, चॉकलेट वाला मज़ा आ गया, बाकी चल रहे हैं अभी, कबाब थोड़े से 19 तैयार बता दिया मैंने आपको, बाकी यहाँ देखें आप, देखो पान लगा रखे हैं भाई ने, इस गली के अंदर लाजवाब चीज़ें मिलेंगी आपको। और यहाँ पर ये क्या है भाईजान? इमली 12 मसाले की। अच्छा 12 मसाले की इमली है भाई, ये देख लो पास से देखो आप, खट्टे मीठे सब हैं यहाँ पर। क्या प्राइस है इसका? 30। ये देखें जी, चलो तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। भाई कोने में एक बड़ा सा तवा दिखा मुझे, और यहाँ पर कुछ कबाब से तले जा रहे हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं, और भाईजान खड़े हुए हैं हमारे। ये कौन से कबाब है? बड़े का कबाब है। कितने का एक है ये? 5 का 1। 5 रुपये का कबाब है, बड़ा ही है ना? बड़े। कुछ और है? और ये क्या है? चिकन कांडी। कांडी का मतलब क्या है? चिकन कांडी क्या मतलब? अच्छा बोनलेस मुर्गी का है। अच्छा जी ये बोनलेस मुर्गी का है भाई, ये एक उठा के देख लूँ? देखो जी ये है चिकन कांडी, जिसमें बोनलेस चिकन लगा हुआ है। और ये क्या है? शामी कबाब। भाई यार दिल तो मेरा कर रहा है ये खाने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई, 5 रुपये का कैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहा हूँ 5 रुपये का ये बताओ। भाई 5 रुपये का कबाब है यार, बड़े का है, हलाल तो है ना, पक्की बात है, या झटका खिला रहा हूँ? हलाल है। क्या नाम है तुम्हारा? हलाल दे रहा हो?
भाई हलाल तो बता रहा है यार, लेकिन हलाल है भाई ने बता दिया, हमने पूछ लिया हलाल है ना। चलो भाई दो कबाब लूँगा खाली, ज़्यादा नहीं लूँगा, दो कबाब चखूँगा। तो जी भाई ने अखबार दे दिया, जिनका जो महाराष्ट्र अखबार होता है उसके अखबार के ऊपर इन्होंने भाई दो कबाब दिए, थोड़ी सी प्याज और एक पत्ता, ये आपका मिंड का। अब ये गरम गरम उतर के आए भाई, देखो मसाला डला हुआ है, कीमे की गोली जैसे होती है वैसा है, खुशबू तो अच्छी सी आ रही है भाई, चख लेता हूँ ज़रा। हसीन भाई क्या बोलूँ, खा लूँ? बिस्मिल्ला। सही बताऊँ जो उसके चिकन कबाब थे ना उससे तो अच्छा है यार, बाहर थोड़ी सी हार्डनेस वाली लेयर है इस पर और अंदर सॉफ्ट हो रहा है। सही है यार, 5 रुपये का कबाब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी अल्लाह भाई बेहतर समझे। चलिए आगे चलते हैं। लो जी थोड़ी सी और आगे चले हम, 5 रुपये वाला कबाब खा के। तो यहाँ पर भाईजान बना रहा है, भाईजान क्या है ये, बेदर रोटी? देखो जी मेकिंग देख लो आप, ये कहाँ क्या डल रहा है, ये मटन का। देखो जी मटन कीमा और अंडा इसके ऊपर डल चुका। अच्छा जो मुंबई की जो फेमस बेदर रोटी है वो है यहाँ, और क्या प्राइस है इसका? 60 रुपये। और चिकन वाला? चिकन रोटी 140 का है। और वो 60 रुपये की खाली। चिकन वाली महंगी क्यों है इतनी? चिकन महंगा क्या यहाँ पे? बकरा सस्ता है यार, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। बाकी ये देख लो भाई, ये रोल बन रहा है, क्या बन रहा है, रोल बन रहा है, ये चिकन रोल बन रहा भाई, पहले अंडा फिर वो फिर ये। यार दिखा रहा हूँ मैं तो फिलहाल, ये देख रहा हूँ यहाँ पर इसकी मेकिंग चल रही है पूरी, ये बेदर रोटी आ गई और ये चिकन रोल। हसीन भाई क्या बोले, ले लें रोल, ले लेते हैं ना। भाईजान ये वाला जो रोल बना रहा हूँ ना, ये रोल एक बनाओ मेरा भाई। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मटन की चीज़ सस्ती है और चिकन की चीज़ महंगी है, ये तो समझ में नहीं आ रहा पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर भाई अंडा रोल ले लिया है, उसका क्या जायका है वो आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि आया हूँ तो थोड़े थोड़े जायके तो आप तक पहुँचाऊँगा ज़रूर। मेकिंग दिखा दी है, बाकी बनवा रहा हूँ, क्या जायका वो पहुँचाता हूँ। ये बेदर रोटी बन रही है, देखिए बेदा बेदा, और मैंने बनवाया अपने लिए वो चिकन रोल जो ये आ गए, देखते हैं भाई। भाई अब जाके समझ में आया है, यहाँ पर बकरे की कोई आइटम नहीं है, यहाँ पर बड़े की आइटम है। ये जितने भी हमने लिया है ना, वो जो दिख रही है बेदर रोटी के अंदर दिखाया है वो बड़े का था। चिकन की यहाँ पर तो महंगी होगी यार, वो चिकन यहाँ पर क्या थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है, 300-350 रुपये किलो रहता है। बाकी यहाँ पर चिकन का भाई रोल ले लिया, देखो अंडे वाला रोल है चिकन का, और ये चटनी दी है नींबू और कांदा। बाकी कांदा मुंबई में आ गया कांदा, अब रोल ले लिया ये वाला। पास से देखो आप, बहुत प्यारी सी लेयर बनी हुई है, एक मैदे की भी और एक अंडे की भी, और अंदर स्टफिंग चिकन। चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। हसीन भाई ये मजे का यार, ये मजे का है भाई, हल्का सा नींबू डालते हैं और ये लेते हैं चटनी के साथ, इनकी चटनी भी अच्छी लग रही है। गर्मा गर्म है, सॉफ्ट है, मज़ेदार है सर, बढ़िया है, मज़ेदार। चलो भाई थोड़ी सी और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा सा काउंटर लगा, जहाँ पर बहुत बड़ी सी बारबेक्यू लगी हुई है भाई, देखो कितनी बड़ी लगी हुई है। और यहाँ देखो ये कौन से कबाब है सर, ये कबाब किसके हैं, ये बड़े के? बड़े के सीख कबाब लगे हुए भाई, और ये खीरी की बोटी, ये खीरी की भाई टिक्के,
बोटी कबाब। ये बोटी कबाब है भाई, देखो बढ़िया जी। और ये क्या है? कलेजी लीवर। अच्छा जी, ये लीवर है जी, कलेजी, बढ़िया जी। तो चलो भाई आगे चलता हूँ, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मेरा वो खाने का दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पे देखो रोड साइड देख लो, यहाँ पे टेबल सब कुछ लग जाता है और लोग आराम से बैठ के खाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से और देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि अभी ये गली क्या है ख़त्म होने वाली है। सामने रोड दिख रहा है ना, वो चीज़ है। और अभी और देखते हैं क्या क्या है आगे। भाई यहाँ कुछ चाइनीज़ सा दिखाया अपने को, और यहाँ पर बहुत बढ़िया बड़े से टिक्के दिख रहे हैं, बड़े शानदार से रंग बिरंगे से। ये देखो हरियाली, वाइट, और ये टिक्के। ये कौन सा है सर? मलाई टिक्का? मलाई टिक्का, पहाड़ी टिक्का। पहाड़ी? अच्छा जी, इसकी क्या प्राइस है एक सिक्का? 160 रुपया। ये वन का 80 रुपीज। और इसका? इसका भी सेम। सेम। और ये कौन सा टिक्का है? नॉर्मल टिक्का है। चिकन सीख कबाब। ठीक है। और ये? ये खीरी, कलेजी, बोटी कबाब, सीख कबाब बड़े का। हाँ जी, सीन भाई क्या खाओगे बताओ? और चिकन लॉलीपॉप मिलेगा। देखो ये चिकन लॉलीपॉप भी है यहाँ पर, देखो उठा के दिखाओ अंकल जी एक जरा। ये देखो ये चिकन लॉलीपॉप, देखो बहुत बढ़िया भाई, वाइब बहुत बढ़िया है यहाँ के रोड की पूरी। बाकी तो देखो अभी मोहम्मद अली रोड में गया नहीं, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो सोचा कि पहले आपको महिम की खाओ गली दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ ज़रा मुझे ललचा रही है, यहाँ के सीख बोटी जो भी है ये भी चखते हैं ज़रा, क्या क्या हिसाब है लेते हैं दो तीन, फिर उसका जाएगा आप तक पहुँचाता हूँ ज़रा। भाई देखो मैंने अपने लिए रंग बिरंगे से, ये इनका कुछ पहाड़ी टिक्का है, और ये इनका नॉर्मल चिकन टिक्का है, और ये कलेजी है लीवर। ये तीनों जायके ले लिए हैं मैंने। और यहाँ पर भी देख लो आप सिटिंग है। और देखो चाचा के पास ये भी है ज़रा, ये क्या है चाचा ये बताओ? ये खिचड़ा है। दिखाओ ज़रा मुझे, खोल कर दिखाओ ज़रा, चला के दिखाओ ज़रा। दिल्ली का हलीम, मुंबई का खिचड़ा। अच्छा, दिल्ली के हलीम, मुंबई का खिचड़ा। ओहो, ये मसला है इसका। चलो जी ये भी लूँगा ज़रा, देखते हैं ज़रा। देखो कितना बड़ा सा पतीला है, और ये बड़ा सा थाल एकदम, और इसके बराबर में शर्मा है। और भाई देखो मैच देख रही है। देखो जी क्या क्या है चाइनीज में, चाचा बताओ चाइनीज में क्या क्या है। चाइनीज में सिजवान राइस, मंचूरियन राइस, किबल राइस, नवाबी स्पेशल, चंपा राइस, जम्बू राइस, सब चीज है। देखो जी ये भी बस पाव सिकने आ चुके हैं। क्या है भाई ये? नान ब्रेड। इसमें क्या लगता है? अच्छा नॉर्मली खाते हैं। अच्छा सीख के साथ ये खाते थे, हमारी तरफ रुमाली रोटी खाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भाई ये नान खाते हैं, बन टाइप है बिल्कुल, देख लो आप। भाई अपने दिल्ली के अंदर तो क्या अभी ठंड थी, लेकिन मुंबई में आती है ना गर्मी हो गई है, पसीने आने लग गए हैं, बस ये समझ लो। होटल के अंदर एसी चला के लेटा हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो लो जी मैं भी बैठ चुका हूँ रोड साइड, अभी तक तो खड़ो के खा रहा था, बाकी यहाँ पर टेबल का जुगाड़ उगाड़ सब कुछ है, बहुत बढ़िया एकदम रोड साइड एकदम। भाई यहाँ पर अपने ने देखो ये कलेजी मंगवाई थी ना, कलेजी ले ली, ये इनका नॉर्मल टिक्का है, और ये इनका पहाड़ी टिक्का है भाई, 90 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, कोई ऐसा ही प्राइस है पता नहीं। 80 रुपये। पहले ज़रा ये लीवर देख लें कलेजी कैसी है, गली हुई नहीं गली हुई, देखो गली हुई है भाई, गली हुई है, बिस्मिल्ला। वाह बहुत गर्म है भाई, देखो सही बताऊंगा बिल्कुल आपको, जेन्युइन भी बिल्कुल, कलेजी ड्राई बहुत हो गई, क्योंकि एक तो ड्राई पीस होते हैं, ऊपर से रोस्टेड कर दिया तो और सूख गई, और थोड़ा जला जो है ना, जले का पन जो ज़्यादा आ रहा है, मसाले कम हैं तो सूख गई पूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा चबाने के बाद अंदर ले जाने में दिक्कत सी हो रही है। और मैंने जहाँ तक अब अंदाज़ा लगाया है ना इस रोड का, काऊ गली का, लोग भीड़ लगाए खा रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली टेस्ट है यहाँ पे। अभी इनका भाई चिकन टिक्का है, नॉर्मल चिकन टिक्का इसे कहते हैं, गरम बहुत हो रहा है। ओहो हो, धुआं देखा अभी निकलता हुआ, ये देखो। चलो इस पर तो बहुत सारे मसाले लपटे हुए दिख रहे हैं, चेक कर लेते हैं।
खुशबू तो अच्छी आ रही है। यार असीन भाई मुझे लग रहा है नमक डालना भूल जाते हैं भाई, जो मुंबई में रहते हैं और जो इस गली में खा चुके हैं खाना वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि नमक मुझे कम लग रहा है या ऐसे ही होता है। नमक नहीं है, नमक होता तो हल्का जाएगा और खुल जाता, बाकी ठीक ठाक है यार। वाह कांदा अब जो है ये अपना पहाड़ी टिक्का, हरा हरा था तो मैं समझा हरियाली टिक्का होगा लेकिन अंकल ने बताया पहाड़ी टिक्का। इसके अंदर सिर्फ ये पुदीने का स्वाद आ रहा है, इसमें भी नमक नहीं है। जो हरा हरा कर रखा है ना वो सिर्फ इसके स्वाद से कर रखा है, सही बताऊं कितना कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा सच में। बाकी अभी तक जो खाया वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा भाई। मुंबई की गलियों में फिर रहा है मारे मारे, दिखा रहे हैं आपको स्ट्रीट फूड बढ़िया बढ़िया लेकिन अभी तक वो स्वाद जो ज़माने पर आना चाहिए ना वो नहीं आया। वहाँ देखो आप बाबा फालूदा, मुंबई का फेमस बाबा फालूदा है, लेकिन इससे पहले जो यहाँ का खिचड़ा है ना जो हमारे दिल्ली के अंदर हलीम होती है, तो ज़रा वो खिचड़ा ट्राई कर रहे हैं। मुझे दूर से दिखी है वहाँ पर एक छोटी सी दुकान और भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, तो आओ चलते हैं। भाई देखो यहाँ पार्सल भी हो रहा है और बहुत बढ़िया साफ सुथरा सा लग भी रहा है मुझे, तो यहाँ पर खिचड़ी की एक छोटी वाली प्लेट लेके वो जाएगा आप तक पहुँचाता हूँ। ज़रा नींद आ रही है, थका थका सा हूँ तो थोड़ा समझ लेना मुझे। यहाँ पर लाइट भी है पूरी और ये पूरी देख लो भाई खिचड़ा अपना, बस ज़्यादा मत निकालना थोड़ा सा ही निकालना, बस 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 रहने दो। एक जगह चाहिए मुझे, चलो इसके ऊपर टॉपिंग देख लेते हैं ज़रा कहीं कहीं की। भरिस्ता तो लगी हुई दिख रही है मुझे और पुदीना भी, यहाँ पर मुझे लग रहा है हरा धनिया डलता है, पुदीना डलता है हर जगह, ये देखो डल चुका नींबू और ये भरिस्ता आ चुका भाई, नींबू भी डल गया। ये स्टाइल देखें आप भाई का हमारे। चलो जी भाई खिचड़े की प्लेट ले ली है मतलब हलीम की और क्वार्टर प्लेट है सिर्फ 50 रुपये की, ये महंगी है यार, अपनी तरफ तो 20-30 रुपये की मिल जाती है। क्यों सीन भाई, देखो सीन भाई आओ बोटी है, देखो छोटी छोटी सी बोटियाँ और पता नहीं जवान की है नहीं है, जवान की लग रही है। चलो गर्म बहुत हो रही है, पहले ऐसे ही खाते हैं थोड़ी सी। अच्छा इसमें दाल है ना घुटी हुई नहीं है, साबुत साबुत दाल पड़ी हुई है इसमें। हसीन भाई जायका ठीक हो जाएगा तुम्हारा बोटी के साथ, वे बढ़िया है भाई जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है, बस हल्की सी क्या है ये मैं आपको दिखाऊं। देखो हमारी भाई तरफ में क्या होता है उसमें रेशे भी बनते हैं लेकिन इसमें रेशे नहीं है, ये घुटी भी नहीं है योगी और ना इसमें गोश घुटा हुआ लेकिन जायकेदार है। बाकी ये खाते खाते मेरे पीछे भीड़ देख रहा हो आप बाबा फलूदे की, तो ये खाने के बाद बाबा फलूदा खाएंगे और उस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तो ये खा लें फिर चलते हैं बाबा फालूदे पर। भाई बाबा फालूदे पर हूँ और जो इनका सबसे टॉप क्लास सेलिंग है ना बाबा स्पेशल फालूदा वही लिया है मैंने और क्या जाएगा वो आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन यहाँ की जो वाइब्स है ना वो भाई साहब माइंड ब्लोइंग है। ये देखो आप
और यहाँ की सर्विस भी भाई लाजवाब है। अभी ऑर्डर दिया है, एक मिनट भी नहीं हुआ और मेरे पास देखो बाबा फालूदा आ चुका है भाई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोडेड है भाई। ये है बाबा फालूदा भाई, देख रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बाबा फालूदे पर हूँ जो मुंबई का बिल्कुल फेमस बाबा फालूदा है। मैं फैज बाबा और वो बाबा फालूदा। थोड़ा सा क्या है भाई, मुझे इसमें कन्फ्यूजन सी है कि क्या क्या है, तो भाईजान मेरे पास खड़े हुए हैं। भाईजान ये क्या, सबसे ऊपर ये बताओ। काजू किशमिश आइसक्रीम, केसर आइसक्रीम, ठीक है, और ये जो बाइट्स दिख रहा है मुझे, ये क्या है? ये केसर कुल्फी, केसर कुल्फी है। और इसमें क्या क्या है नीचे? काजू बादाम पिस्ता, मतलब 3 से 4 फ्लेवर है इसके अंदर आइसक्रीम के, 3 फ्लेवर है। हाँ, ड्राई फ्रूट 3 है, काजू बादाम पिस्ता, काजू बादाम पिस्ता और आइसक्रीम के तीनों फ्लेवर है इसमें, ओला मिल्क, ठीक है। ये तो आपका देखो भाई, एक दो सिप मारने के लिए बोल रहे हैं भाई, पहले भाई बहुत लोडेड है, ये अपने से अपने बस की नहीं है भाई, ऐसे इसको थोड़ा सा लेंगे भाई, पता नहीं कैसे खाएंगे यार इसको, तो पीऊंगा से यार, जगह तो पड़नी चाहिए। स्पेशल है तो भाई स्पेशल दिख रहा है मुझे, भाई बहुत ज्यादा यमी है, बहुत ज्यादा। और ये स्पेशल वाले ने ना पिस्ता देख रहा हो आप, वे यार इसको तो खाने में भी दिक्कत सी हो रही है। तीन से चार फ्लेवर, पसीने बहुत आ रहे हैं, ठंडा ठंडा फालूदा आ गया, हुआ मजेदार। ऐसी फेमस नहीं है भाई, ये देख रहा हूँ यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से गिर रहा है, देखो ये देखो, और भाई देखो इसके अंदर क्या है, ये कुछ यहाँ पर देखो भाई, देखो कुछ और भी चीज़ दिख रही है साबूदाना टाइप, बढ़िया है भाई। लेकिन इनको खाने से पहले इसको पीना पड़ता है भाई। चलो मुंबई आए तो सारे जाके दिखाएंगे आपको, अभी तो बाबा फालूदा पर हैं, अभी 3 से 4 दिन यहीं हूँ, छोटे से बड़ा सारे, बड़े सारे छोटे सब जाके घूमूंगा। जो ये मिल्क टाइप है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा तेमी है यार, मज़ेदार है एकदम। तो पूरी गली के जायके दिखाए, किसी ने हमें भाई अच्छा लगा, कोई हमें सही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कोई बेकार सा भी लगा, लेकिन लास्ट में जो हमने एंडिंग करी है ना बाबा फालूदे की, भाई वो माइंड ब्लोइंग है यार, लाजवाब है एकदम, मज़ेदार। ये मैं स्पेशल रात में भी खाने आऊँगा एक बार भी। कितने बजे दुकान खुलती है? 12 बजे तक खुलती है, एक बार और खाने आऊँगा। बाकी यहाँ पर फ्लेवर तो बहुत सारे हैं, वैरायटी भी बहुत सारी है, भीड़ आप देख ही रहे हैं। तो चलिए अब इस व्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। आपको ये स्ट्रीट फूड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट जायके के साथ, अल्लाह हाफिज़।